ऑर्गेनिज्म शो वैरिटी इन सेल नंबर शेप एंड साइज। अब देखिए, जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब है कि हो सकता है कि वो आपका ट्री हो यानी प्लांट्स वगैरह हो सकता है, या फिर ह्यूमन यानी कि एनिमल्स हो सकता है, ठीक है। तो जो भी आपके ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर जो सेल होती है, तो सेल का जो नंबर होता है यानी कि वो सिंगल सेल से बना है या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, किस टाइप का है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। फिर सेल का शेप कैसा होता है, यानी कि गोला होता है कि लंबा होता है, कि ट्रायंगल शेप का होता है कि स्क्वायर शेप का होता है, ये सब समझना पड़ेगा। प्लस साइज, यानी सेल का साइज कैसा होता है वो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अभी जो देखने वाले हैं, दैट इज नंबर ऑफ सेल्स। तो देखिए, अब नंबर ऑफ सेल्स कहने का मतलब क्या होता है कि कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बहुत सारी सेल से बने होते हैं, ठीक है, उसको मल्टी सेलुलर कहा करते हैं। तो जो ऑर्गेनिज्म मोर देन वन सेल यानी एक सेल से ज्यादा सेल से बने होते हैं तो उसको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे चींटी आपको दिखाई देगा, ठीक है, आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से इंसेक्ट आपको दिखाई दे रहा है, आपको मछली दिखाई दे रहा है। तो ये एक सेल से नहीं बना हुआ है, एक से ज्यादा सेल से बना हुआ है, तो ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गया। उसी तरह से पेड़ यहाँ पे आप देख रहे हैं, उसी प्रकार से ह्यूमन बॉडी आप देख रहे हैं, तो ये एक सेल से नहीं बना हुआ है, ये भी बहुत सारे सेल से बना हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए ये भी क्या होगा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के रूप में दिखाई देगा। उसी प्रकार से फ्लावर भी एक सेल से नहीं बना हुआ है, उसी तरह से ये खोखड़ी आप देख रहे हैं, तो ये भी एक सेल से नहीं बना हुआ है, ये भी बहुत सारी सेल से बना हुआ है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा करते हैं। तो ये हो गया मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ओके। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, दैट इज जो सिंगल सेल से बने होते हैं। तो जो सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल से बने होते हैं उसको हम लोग क्या कहा करते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर आप क्या ले सकते हैं, दैट इज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला जो शेप है, ये वाला, ये एमीबा होता है, इसको क्या बोलेंगे, एमीबा बोला करेंगे, ठीक है। और ये वाला जो आप शेप देख रहे हैं, तो ये वाला शेप को हम लोग पैरामेशियम बोलेंगे, ठीक है, पैरामेशियम। ये अभी हायर क्लासेस में भी आप वहां पे पढ़ेंगे। तो सिंगल सेल से बने दो आपको दिखाई देंगे, एक तो एमीबा और दूसरा पैरामेशियम। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये एमीबा है, और ये वाला जो है ये पैरामेशियम है, ठीक है। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। तो जो, और ये सिर्फ एक ही सेल का बना होता है, इसमें दो चार दस बारह सेल नहीं होते हैं, मात्र एक सेल का बना होता है, ठीक है। तो एक ही सेल से ये बना होता है, इसलिए इसको हम क्या कहा करेंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा करेंगे। तो जो एक सेल से बना होगा वो यूनिसेलुलर, और जो बहुत सारे सेल से बना होगा, मोर देन वन सेल से बना होगा, तो उसको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा करते हैं। तो ये तो बात हो गई कि आखिरकार जो सेल नंबर है, तो सेल नंबर मतलब एक यूनिसेलुलर होता है और एक मल्टी सेलुलर हुआ करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेल नंबर। अब देखते हैं दूसरा हम लोग यहाँ पर, दैट इज द शेप ऑफ द सेल, यानी कि जो भी सेल होता है ऑर्गेनिज्म का, उसका शेप कैसा होता है। तो चलिए सबसे पहले एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे किसका लेते हैं, एमीबा का एग्जाम्पल लेते हैं। तो जो एमीबा होता है, जैसा कि आप इस पूरे पिक्चर में इस तरह से देख पा रहे हैं, ठीक है, तो ये जो एमीबा है, ये एमीबा का कोई अपना फिक्स जो है शेप नहीं हुआ करता है, यानी कि ये नहीं तो आपको सर्कुलर दिखाई देगा, नहीं तो आपको स्फेरिकल दिखाई देगा, नहीं ट्रायंगल दिखाई देगा, मतलब इसका कोई फिक्स्ड जो है एक शेप जो होना चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए इसको हम कह सकते हैं कि एमीबा ऐसा सेल ऑर्गेनिज्म है जिसका सेल का जो शेप है वो फिक्स नहीं है। और भी दूसरा एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, दैट इज ब्लड। ब्लड में आप जानते होंगे WBC के बारे में, WBC समझते क्या होता है, यानी व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। तो व्हाइट ब्लड सेल्स क्या होता है कि हमारे बॉडी में एक्चुअल में खून होती है, तो खून में ऐसा नहीं कि खून सिर्फ लाल ही होता है, खून में RBC यानी जो लाल दिखाई देता है, और खून में व्हाइट ब्लड सेल्स भी होता है और प्लाज्मा भी होता है। तो यहाँ पर हम लोग बात किसका कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में। अब ये जो व्हाइट ब्लड सेल्स, ये करता क्या आपके बॉडी में, तो ये आपका क्या करता है, एंटी
बायोटिक बनाता है, यानी कि आपके बॉडी में अगर कोई वायरस घुस जाएगा, कोई बैक्टीरिया घुस जाता है, तो सबसे पहले आपका बॉडी एक मेडिसिन तैयार करता है, ठीक है। और वो मेडिसिन कौन तैयार करके देता है, व्हाइट ब्लड सेल्स जो है वो बना के देता है, और वो आइडेंटिफाई करता है कि आपके बॉडी में जो कहीं से बाहर से वायरस या बैक्टीरिया आ गया है जो आपको खतरा पहुंचा सकता है, तो ये एंटीबायोटिक बनाता है और उस बैक्टीरिया से, उस वायरस से क्या करेगा, लड़ना शुरू कर देगा और उसे मार के गिरा देगा, ठीक है, तब आप सुरक्षित हो जाएंगे। तो व्हाइट ब्लड सेल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए, ठीक है। तो ये जो, बहरहाल चलिए हम लोग यहाँ पे आते हैं, तो व्हाइट ब्लड सेल्स जो है इसका जो शेप है ये कैसा है, तो आपको बता दूं कि व्हाइट ब्लड सेल्स जो है इसका जो शेप है ये चेंज होता रहता है, यानी कि फिक्स्ड नहीं है। ऐसा नहीं है कि फुटबॉल के जैसा दिखाई देगा, ऐसा नहीं है कि ये आपका सर्कुलर दिखाई देगा या ट्रायंगुलर दिखाई देगा, स्क्वायर दिखाई देगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे व्हाइट ब्लड सेल्स का जो शेप है वो चेंज होता रहता है, मतलब कि इसका भी शेप फिक्स नहीं हुआ करता है। और ये जो व्हाइट ब्लड सेल्स होता है, ध्यान रखिएगा, ये भी क्या बना रहता है, सिंगल सेल का बना होता है, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल्स क्या है, सिंगल सेल का है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल आपको दिमाग में रखना है। तो आप देखिए, यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सिंगल सेल वाले का आप एग्जाम्पल दीजिए। तो एक तो एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, दैट इज द अमीबा, और दूसरा क्या दे सकते हैं, दैट इज द व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। ये दोनों एक ही सेल से बने होते हैं, यानी कि यूनिसेलुलर हुआ करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं कि इनका शेप कैसा है। तो अमीबा का भी कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है और व्हाइट ब्लड सेल्स का भी कोई डेफिनेट शेप नहीं हुआ करता है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आप देखते हैं शेप ऑफ सेल्स, यानी कि अब ऐसा नहीं है कि जितने भी सेल हैं सबका डेफिनेट शेप नहीं होगा, लेकिन जनरली जो सेल्स होते हैं या तो वो राउंड में आपको मिलेंगे, या तो स्पेरिकल में मिलेंगे, या इलोंगेटेड मिलेंगे, ठीक है। अब इसको समझने के लिए चलिए हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये हो गया क्या चीज, रेड ब्लड सेल्स, यानी रेड ब्लड सेल्स, RB, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स को हम लोग बोलते हैं, RBC बोला करेंगे, ठीक है। तो रेड ब्लड सेल्स, ये रेड दिखाई देता है, तो रेड क्यों दिखाई देता है, इसी में हेमोग्लोबिन हुआ करता है, ठीक है, जिसके कारण से रेड दिखाई देता है। साथ ही साथ क्या होगा कि इसी में ऑक्सीजन जो है कैरी करता रहता है, यानी कि जो O2 आपको मिलता रहता है वो किसके वजह से मिलता है, रेड ब्लड सेल्स के वजह से मिलता है। इसलिए जब खून की कमी होने लगती है, कहीं आपका एक्सीडेंट हो गया और खून बहने लगा, तो ये RBC जो है ये जब निकलना शुरू करता है तो ऑक्सीजन के लेवल भी आपका बॉडी में घटने लगेगा। तो ये जो RBC है ये क्या हुआ करता है, तो ये RBC मतलब रेड ब्लड सेल्स है, और रेड क्यों दिखाई दे रहा है, हेमोग्लोबिन की वजह से दिखाई दे रहा है। और ये जो हेमोग्लोबिन है, मतलब कि जो रेड है, ये क्या कैरी करता है अपने साथ, ऑक्सीजन को कैरी करता है जिससे आपको सांस मिलती है। लेकिन ये भी सेल का बना होता है, ठीक है, मतलब छोटे छोटे सेल होते हैं जिसको आप देख नहीं सकते, लाल कलर तो देख सकते हैं लेकिन ये जो RBC है इसको आप खुली हुई आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन उसका जो शेप है वो इस तरह से आप देख सकते हैं कि स्फेरिकल शेप है। कैसा है, स्पेरिकल शेप है। स्पेरिकल शेप कहने का मतलब समझ रहे हैं, जैसे लड्डू का शेप होता है, फुटबॉल का शेप होता है, बॉल का शेप होता है, ठीक है, तो इसी तरह से ये भी स्पेरिकल हुआ करता है। तो रेड ब्लड सेल्स कैसे होंगे, स्पेरिकल हुआ करेंगे। अब चलिए इस वाले को देखते हैं, ये भी आपका सेल है, इसको ये नहीं समझ जाएगा कि कहीं का झुरी वगैरह है, ऐसा नहीं है, ये भी सेल है, ठीक है। तो ये जो सेल है यहाँ पे देखिए, आगे में पॉइंटेड है और पीछे में इस तरह से पॉइंटेड है, ठीक है, तो ये भी एक तरह का सेल है, लेकिन ये कौन सा सेल्स है, मसल्स वाला सेल्स है, ठीक है। मसल्स, आपके बॉडी, आपके मसल्स जो है उसमें इस तरह का शेप वाला सेल पाया जाता है, ठीक है। तो इस वाले शेप को हम लोग क्या बोला करेंगे, स्पैंडल शेप बोला करेंगे, क्या बोलेंगे इसको, स्पैंडल शेप, ठीक है, ओके। अब चलिए हम लोग आते हैं इस वाला में, आप इसमें सोच रहे होंगे झाड़ी क्या दिखाई दे रहा है, तो एक्चुअली ये क्या है, ये नर्व सेल्स है, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, नर्व सेल्स, और ये काफी लंबा ब्रांच वाला दिखाई देता है, ठीक है। तो ये नर्व सिस्टम हमारा है जो आगे भी आप जानेंगे, तो एक इस तरह का शेप का पाया जाता है। तो जनरली आप समझ चुके होंगे कि जो भी सेल है उसका जो शेप होता है जनरली राउंड, स्पेरिकल या इलोंगेटेड जो है वो हुआ करता है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, सवाल क्या आ रहा है,
अब उसको भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। दैट इज सवाल ये है कि जो भी हमारे पास सेल है उस सेल का जो साइज वो क्या हो सकता है। तो देखिए जो भी हमारे पास सेल होते हैं तो सेल जो है ना बहुत ही स्मॉलेस्ट हुआ करता है। कितना स्मॉलेस्ट होगा तो दैट इज द 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर में हुआ करता है, यानी इतना छोटा होता है कि आप इसको खुली हुई आंखों से बिल्कुल भी देख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो सेल का यहाँ पे साइज बहुत 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 छोटा होता है। ठीक है, और ये बैक्टीरिया में आपको दिखाई देगा। ठीक है, और लार्जेस्ट से लार्जेस्ट यानी कितना से कितना बड़ा अगर हम लोग बात करते हैं तो ये देखिए 170 mm से लेकर 130 mm तक सेल का साइज हो सकता है। और ये आपको ऑस्ट्रिच जो है ना ऑस्ट्रिच उसके अंडे में दिखाई देगा। ठीक है, तो यहां पर आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि आखिरकार जो सेल है उसका साइज कितना से कितना छोटा हो सकता है और कितना से कितना बड़ा हो सकता है। चलिए बहरहाल यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं ये अंडे के विषय में। तो अंडे का ये जो पिल्ला वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इस पिल्ले वाले पार्ट को हम लोग यॉल्क कहते हैं जो सिंगल सेल का बना होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं व्हाइट वाला पार्ट, जो अंडा बॉइल करते हैं ना तो व्हाइट और पीला पार्ट आपको दिखाई देता है, तो ये जो आप व्हाइट वाला पार्ट देखते हैं तो इसको हम बायोलॉजिकल टर्म में क्या बोला करेंगे, दैट इज अल्बुमिन कहा करेंगे। ठीक है, लेकिन ये जो पीला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये पीला पार्ट क्या होता है, यॉल्क होता है। तो अंडे का जो ये पीला पार्ट है जिसको आप बिना किसी माइक्रोस्कोप के बिना किसी मैग्नीफाइंग डिवाइस के आप इसको देख सकते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, यॉल्क कहा करते हैं। सो बहरहाल आप यहां तक समझ चुके होंगे कि आखिरकार जो भी सेल होता है उसकी साइज क्या होती है, उसकी शेप क्या होता है और वो कितना छोटा कितना बड़ा हो सकता है, ये भी यहां पर आप समझ चुके होंगे।